आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रदेश की नंबर 9 विधानसभा क्षेत्र थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको प्रदेश की नंबर 10 विधानसभा क्षेत्र शामली विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें, जिससे आपको अगली विधानसभा चुनाव की जो वीडियो हम आपको आंकड़ों के अनुसार आपको देंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम आपको बताएंगे आज शामली विधानसभा क्षेत्र के बारे में। शामली विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के तेजेंद्र निरवाल विधायक हैं। हालांकि यह क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। प्रिसीमन के बाद 2012 में अस्तित्व में आई शामली विधानसभा क्षेत्र पूर्व में कांधला और कैराना विधानसभा क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी। दोनों विधानसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा इसमें दिया गया, जिसके बाद शामली विधानसभा क्षेत्र का गठन 2012 के प्रिसीमन में हुआ। तो 2012 में पहली बार यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे थे सत्येंद्र वर्मा को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया था और कांग्रेस के टिकट पर पंकज मलिक यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे। और बहुजन समाज पार्टी से उस समय 2007 में कांधला से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते बलबीर मलिक इस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। आपको बता दें कि इस चुनाव में कांग्रेस के पंकज मलिक ने समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह को 3,741 वोटों से मात दी थी। तो यहां से पंकज मलिक 2012 में विधायक बने कांग्रेस के टिकट पर। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। भारतीय जनता पार्टी की लहर में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तेजेंद्र निरवाल को प्रत्याशी बनाया। तेजेंद्र निरवाल को 70,085 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर पूर्व विधायक जो इस समय समाजवादी पार्टी में है पंकज मलिक वो रहे। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से पंकज मलिक 2017 के विधानसभा चुनाव में उतरे और 40,365 वोट उन्हें मिले। इसके अलावा आरएलडी की बात करें तो विजेंद्र मलिक 33,551 वोट उन्हें मिले। और इंडिपेंडेंट मनीष चौहान जो वीरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री के लड़के हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, उनके बेटे मनीष चौहान यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और उन्हें 31,824 वोट मिले थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद इस्लाम को प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें 17,114 वोट मिले थे। तो इस सीट पर 29,720 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के तेजेंद्र निरवाल ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद इस सीट की भी संभावना है कि यह आरएलडी के हिस्से में रहेगी। वहीं अब पंकज मलिक और हरेंद्र मलिक जो पूर्व सांसद हैं और पूर्व विधायक पंकज मलिक के समाजवादी पार्टी में आने के बाद यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में रह सकती है और समाजवादी पार्टी के टिकट पर पंकज मलिक यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि भविष्य में पता चलेगा कि किस पार्टी के पक्ष में यह सीट रहती है। लेकिन अगर आरएलडी की बात करें तो आरएलडी से भी यहाँ कई दावेदार हैं। अखिल बंसल और प्रसन्न चौधरी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष देवी के पति हैं प्रसन्न चौधरी, वो भी इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं। जाट समाज से आते हैं, जाट समाज के इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाता हैं, लगभग 60,000 से 70,000 मतदाता जाट बताए जाते हैं। इसके अलावा विजेंद्र मलिक जो पिछले चुनाव में आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वह भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी में तेजेंद्र निरवाल विधायक हैं, संभावना तो यही है कि उनका टिकट रहेगा। हालांकि चर्चा यह भी है कि उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार काट सकती है। नए दावेदारों के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं मोहित बेनीवाल, उनका नाम भी चल रहा है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान समय में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरबीर मलिक भी इस क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि बात करें दोनों दावेदारों के बारे में, तो जहां मोहित बेनीवाल क्षेत्रीय अध्यक्ष है तो संभावना यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष को किसी एक विधानसभा तक सीमित नहीं रखना चाहेगी और हर विधानसभा क्षेत्र पर क्षेत्रीय अध्यक्ष को रणनीति बनानी होती है। अगर वह किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनका अधिक फोकस अपनी सीट पर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि उनका जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है वो एक सीट पर सिमट कर रहे, क्योंकि उन पर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। वहीं हरबीर मलिक की बात करें तो हरबीर मलिक भी पिछली बार भी दावेदार थे और इस बार भी दावेदारी कर रहे हैं। हरबीर मलिक की दावेदारी को मजबूती मिल रही है, क्योंकि मलिक खाप के बड़ी संख्या में यहाँ पर वोट हैं। पिछले चुनाव की हमने आपको नतीजे बताए, तो यहाँ पर हरबीर मलिक के जो है मलिक खाप के हैं, तो मलिक खाप के लोगों का इस क्षेत्र में दबदबा रहा। पंकज मलिक 2012 में यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने, 2007 में बसपा के टिकट पर कांधला विधानसभा क्षेत्र से बलवीर सिंह मलिक चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे।
इसके अलावा बलबीर सिंह मलिक के भतीजे विजेंद्र मलिक जो पिछले चुनाव में भी आरएलडी के प्रत्याशी थे और कांग्रेस से पंकज मलिक थे, तो मलिक खाप का इस क्षेत्र में बड़ा वोट माना जाता है। तो कहीं ना कहीं संभावना तो यही जताई जा रही है कि अगर तेजेंद्र निरवाल का टिकट कटता है तो हरबीर मलिक को ही टिकट मिलेगा, ऐसी संभावना बहुत अधिक है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का इस क्षेत्र में कोई खास प्रभाव नहीं माना जाता। अभी तक उनके पास ऐसा कोई उम्मीदवार भी नहीं है, जैसे कि हमने तीनों ही विधानसभा क्षेत्र जो शामली जनपद की है, बहुजन समाज पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। तो यहाँ भी सीधा सीधा मुकाबला आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि सीट सपा पर रहती है या आरएलडी पर जाती है। अधिक संभावना तो यही है कि यह सीट आरएलडी पर रहेगी। तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस सीट पर सीधा मुकाबला होने की संभावना है। अगली विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र, जो मुजफ्फरनगर जनपद की विधानसभा क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र प्रदेश के नंबर 11 विधानसभा क्षेत्र है। तो प्रदेश के नंबर 11 विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक